आज हम बनाने जा रहे हैं मालपुआ, जिसमें आज आज की रेसिपी में थोड़ा गड़बड़ हो गई वीडियो लेने में, तो मतलब ख़राब हो गया वीडियो थोड़ा। तो इसमें आधा किलो मैदा है और पाव किलो रवा है और आधा किलो शक्कर है और थोड़ा सा चार्ली है, थोड़ा बादाम है, थोड़ा काजू है आटे में और थोड़ा सा दूध भी है मालपुआ के लिए। और इसमें थोड़ा सा मैंने तेल भी ऐड की मिलाने के लिए। और इसमें थोड़ा सा ये सौंफ है, सौंफ ऐड करेंगे इसके लिए। और इसको हम थोड़ा सा और मिला लेंगे मालपुआ के लिए। थोड़ा सा हल्का पानी डालेंगे, थोड़ा सा कलर भी ऐड की हूँ पीला कलर। ये मिला के हो गया। अब इधर कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, इसमें हम हिसाब से तेल ऐड कर लेंगे। पाव किलो तेल ऐड करेंगे, तेल अच्छा गर्म होने देने का है। और उसके बाद में इधर हम थोड़ा थोड़ा पानी लगा करके में थोड़ा सा पानी लगा करके इसको चौके पर मैंने पन्नी लगा दी हूँ, इसको रख देना है इस तरह से। हम ऐड कर देंगे और इसको कम से कम मैं 6 घंटे से आटा भिगाई थी, सान करके 6 घंटा हो गया आटा सान करके। इसको पहले पका लेंगे अच्छे से, चूल्हा कम ज़्यादा करके पकाएंगे थोड़ा। अभी देखिए ये धनी है, मालपुआ बन के हो गया। इसमें इसी तरह से सभी मालपुआ बना लेंगे हैं। अभी चूल्हा बारीक कर देंगे, थोड़ा बेकिंग सोडा बोलते हैं वो भी डाली थी भूनने के लिए। ये देखिए दोनों तरफ से ऐसा पका लेने का है।
देखिए एक साइड से हो गया, दो पलट नहीं पाया आराम आराम से। अभी देखिए सभी मालपुआ बनके हो गया तैयार। हम चूल्हा बंद कर देंगे। सजा लेंगे। ये देखिए गर्मा गर्म मालपुआ बनके हो गया तैयार। आज की रेसिपी है मालपुआ, और हम हमारे पास थोड़ा सा काजू है, बादाम है, थोड़ा सा जा लेंगे। देखिए मालपुआ बनके तैयार हो गया। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए।